सर, हम सारे ही बच्चे, मैक्सिमम इंडिया के बच्चे बहुत मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जी. तो हम जब थोड़ा भी बड़ा स्टेप लेते हैं ना तो हम बहुत डरते हैं जी. तो जैसे मैं भी अभी एक थोड़ा बड़ा स्टेप लेने की कोशिश कर रही हूँ तो मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊँ क्या करूँ, ये मेरे लिए सही है. और बहुत मतलब मैंने कोशिश करी कि नहीं जाऊँ, बट एट द फाइनल स्टेज में गई और एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि नहीं पता नहीं सही होगा नहीं होगा. सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस कि एस्ट्रोलॉजी पे जाना चाहिए, इज इट रिलेटेबल, या अगर मेरा मन कहता है कि सब कुछ सही है और मैं जीतूंगी और मतलब सारे डायनामिक्स प्लस मैथमेटिक्स सही लगते हैं, लॉजिक्स इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, तो अपने गट फीलिंग के साथ जाना चाहिए या नहीं, एस्ट्रोलॉजी का सहारा थोड़ा बहुत ले लेना चाहिए? थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन दो, ब्रिलियंट क्वेश्चन. मुझे कई बार लगता है ना कई चीजों के सही और गलत जवाब नहीं होते हैं. हमको हमेशा सही और गलत, ब्लैक एंड व्हाइट, जीरो वन में आंसर्स चाहिए होते हैं. लेकिन मुझे कई बार लगता है कि ब्लैक एंड व्हाइट में आंसर्स नहीं होते. और मैंने एक बात सीखी है अपनी लाइफ में, अगर आपको अपने दिल से, अपनी रूह से, अपने भीतर से, अपने पूरे एग्जिस्टेंस से लग रहा है कुछ करना है तो कई बार थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, राइट? हो सकता है वो गलत हो सकता है आपकी गलती हो जाए, लेकिन जब तक गलती नहीं करोगे अनुभव कहां से आएगा? जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम एक तजुर्बा देके जाती है.